हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन देवारे, प्रिवेंट कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे क्या हमारे हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लड जाता है उसको मापने के लिए कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हाँ, जैसे हम एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोग्राफी में हमको कुछ ब्लॉकेजेस दिखते हैं, जो ब्लॉकेजेस देख के हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास हमारे कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं। लेकिन क्या हर ब्लॉकेजेस को एंजियोप्लास्टी और बाईपास ही ट्रीटमेंट एडवाइस किया जा सकता है? कुछ कुछ पेशेंट जो हम देखते हैं कि जो कुछ इन्वेस्टिगेशन करने पे उनके हार्ट में ब्लॉकेजेस मिलते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार रहे थे, जैसे ही उनका एंजियोग्राफी में कुछ ब्लॉकेजेस निकलते हैं हम उनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास एडवाइस करते हैं, बट उनको क्लिनिकली ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ती। इसके पीछे का जो रीजन होता है कि अगर उनका नेचुरली कोलेटरलाइजेशन अगर प्रॉपर रहा और उनका ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहा तो उनको कुछ भी सिम्टम्स डेवलप नहीं होते। जब डिमांड सप्लाई रेशो डिस्टर्ब होता है उस कंडीशन में उनको सिम्टम्स डेवलप होते, उस वक्त हमको उनको प्लास्टी बाईपास या ECP हम बोल सकते हैं, उनको जरूरत पड़ती है। बट अगर यही हमारे हार्ट के ब्लॉकेजेस के साथ साथ में हमारा ब्लड फ्लो सच में चल रहा है या नहीं चल रहा है वो मापने के लिए हम 3D वैस्कुलोग्राफी या कार्टोग्राफी या कोएटोग्राफी करके एक टेस्ट होती है, जिसके द्वारा हमारे ब्लॉक आर्टरी के बावजूद भी वो वाले हार्ट के वॉल में या वो हार्ट के मसल्स में कितना परसेंट फ्लो चल रहा है या बंद है वो हम बिल्कुल जाँच कर सकते हैं। अगर वो 3D वैस्कुलोग्राफी के जांच में हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर मिलता है तो हमें कुछ भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। या इसके अलावा अगर कोई पेशेंट बाईपास या प्लास्टिक करता है या इवन ECP भी करता है, अगर वो ट्रीटमेंट का उसको कितना परसेंट रिजल्ट मिला है वो भी हम 3D वैस्कुलोग्राफी के टेस्ट से हम जान सकते हैं। तो बिल्कुल बोल सकते हैं हार्ट के कोई भी वॉल में कितना परसेंट ब्लड चल रहा है वो जांचने के लिए हमारे पास आज के एडवांस साइंस में मशीन अवेलेबल है, जिसको हम 3D वैस्कुलोग्राफी बोल सकते हैं। धन्यवाद।